हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेट इंडियन खजाना। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आरटीजीएस के टाइम को एक घंटे बढ़ा दिया है। आरटीजीएस, जिसकी फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आरटीजीएस के माध्यम से हम एक बैंक के अकाउंट से दूसरे बैंक के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। आजकल आरटीजीएस का उपयोग काफी ज्यादा किया जा रहा है, तो इसलिए आरटीजीएस का जो लोग उपयोग करते हैं उनकी सहूलियत के लिए आरबीआई ने इसके टाइम को एक घंटे ज्यादा कर दिया है। आरटीजीएस अभी तक सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक अवेलेबल रहता था। ये टाइमिंग कस्टमर्स के लिए थी सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक। वहीं इंटर बैंक ट्रांजेक्शन के लिए टाइम थी सुबह 8 बजे से शाम के 7:45 बजे तक, जिसे अब सुबह एक एक घंटा बढ़ाकर कस्टमर के लिए ये टाइमिंग सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक और इंटर बैंक ट्रांजेक्शन के लिए ये टाइमिंग है सुबह 7 बजे से शाम के 7:45 बजे तक। आरटीजीएस की टाइमिंग को लेकर के कई सारे लोग कई सारे कमेंट करते हैं, तो इस वीडियो से हम लोगों के उसके आंसर भी मिल जाएंगे कि आरटीजीएस की टाइमिंग कितने बजे से कितने बजे तक है। आरटीजीएस पैसे ट्रांसफर करने का बहुत ही तेज माध्यम है, जैसे कि इसके फुल फॉर्म से ही क्लियर है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसमें रियल टाइम में ही पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। इधर आप पैसे ट्रांसफर करने की कमांड देते हैं और उधर दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। आरटीजीएस से हम एक बैंक के अकाउंट से दूसरे बैंक के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं। यानी कि आपका अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में और आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो आप आरटीजीएस के माध्यम से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। आरटीजीएस में पैसे ट्रांसफर करने की जो मिनिमम लिमिट है वो 2 लाख रुपए है। अगर आपका अमाउंट 2 लाख रुपए से कम है तो आप आरटीजीएस नहीं कर सकते। उसके लिए एनईएफटी होता है, आप 2 लाख से कम का अमाउंट एनईएफटी द्वारा ट्रांसफर कर सकते हैं। आरटीजीएस में मैक्सिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं होती, आप 2 लाख रुपए से मैक्सिमम कितना भी अमाउंट आरटीजीएस के द्वारा ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे पहले भी मैं अपने वीडियो में आपको आरटीजीएस क्या है, एनईएफटी क्या है और आरटीजीएस और एनईएफटी में क्या डिफरेंसेस हैं, ये सारी पूरी डिटेल में आपको दे चुकी हूँ। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, आप लोग वहां से मेरा वीडियो देख सकते हैं। और ये वीडियो अगर आप लोगों के लिए यूजफुल रहे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।